7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं की बदौलत मिली आजादी, और उसमें देश का संविधान लागू हुआ, और संविधान में सबको समानता, स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिला। एक राजनीतिक गुलामी के दौर से हम गुजरे और हमने पराधीनताओं की बेड़ियों को काटा। उसके लिए जिन्होंने जीवन दिए हम उनको सलाम करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं, और उन अपने क्रांति वीरों के सपनों का भारत बनाने के लिए हम संकल्पित होते हैं। उसका दिन है आज का ये गणतंत्र दिवस। जो सपना देखा था चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने, जो सपना था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, महात्मा गांधी का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का, उन अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित होने का दिन है आज का ये गणतंत्र दिवस। अपने राष्ट्र के गौरव को अपने हृदय में संजो करके देश में जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पराधीनताएं विषमताएं हैं उनको मिटाने का दिन है आज का गणतंत्र दिवस। माना कि हमारे समाज में हमारे राष्ट्र में कुछ दुर्बलताएं भी हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के गौरव को अपने हृदय में संजो करके अपने राष्ट्र के सामर्थ्य को अपनी शक्ति बनाने का दिन है आज का ये गणतंत्र दिवस। इसलिए हम दिल्ली में अपने राष्ट्र के शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हैं कि हमारी जल सेना, हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना वो इतनी सबल है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र आज भारत की तरफ आंखें उठा के नहीं देख सकता। ये हमारी ताकत है और इसके ऊपर हम 125 करोड़ भारतीयों को गौरव है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक हमारी देश की सुरक्षा में देश की सीमाओं पर प्रहरी बन करके खड़े रहते हो, और हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बल देश की एकता, अखंडता और समृद्धता को बरकरार रखने के लिए चाहे कितने ही हमने उसके लिए बलिदान दिए हों, कुर्बानियां दी हों, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा अपना सर्वस्व न्योछावर करके जीवन के सर्वोच्च बलिदान देकर के भी की है। उस गौरव को अपने हृदय में सजो करके कि अपने पूर्वजनों तो अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति तक दे दी, आज हमारे लिए ये दिन है कि चाहे हमें राष्ट्र के लिए जान तो न देनी पड़े, हम सलामत रहें, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते इस भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे, ये संकल्पित होने का दिन है आज का ये गणतंत्र दिवस। और जिस राष्ट्र ने पूरे विश्व को सदा से रोशनी दिखाई, सदा से जिस भारत ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, विश्व को सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, पॉलिटिकल, सोशल, फैमिली सिस्टम देने वाला भारत, जहां पर चतुर्वर्णाश्रम धर्म, पंच महायज्ञों और 16 संस्कारों की पुरुषार्थ चतुष्टय की परंपरा, यह हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति रही है। जो भारत सदा ज्ञान शक्ति में विश्व का सर्वोपरि राष्ट्र रहा है, सैन्य शक्ति जिसकी अखंड प्रचंड थी, और जिस राष्ट्र का चरित्र का बल सबसे ऊंचा था, यहां पर आर्थिक और आध्यात्मिक वैरतारिक कोई किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं थी, न यहां पर अज्ञान था, ना कोई अभाव था, ना कोई दुर्व्यसन था, यहां ना कोई दुख था, ऐसा भारत जिसके ऊपर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और अपने देश के भीतर आज भी अकूत सामर्थ्य है, अकूत धन दौलत ऐश्वर्य है, अपने उन प्राकृतिक संसाधनों का, मानव संसाधन का, और एक एक इंसान के भीतर भगवान ने जो अपरिमित सामर्थ्य दिया है उसका उपयोग करते हुए एक नए भारत का सृजन करने का, जिसके लिए हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें न्यू इंडिया बनाना है, एक नए भारत का सृजन करना है, अतीत का गौरव अपने हृदय में समेट करके हमें एक सामर्थ्यवान भारत बनाना है, और उसके लिए सबको संकल्पित होकर के आगे बढ़ना है। तो एक बार मैं पुनः आज गणतंत्र दिवस की आप सबको और 125 करोड़ भारतवासियों को पतंजलि योगपीठ की ओर से शुभकामनाएं संप्रेषित करता हुआ गौरवान्वित हम महसूस करें कि हम भारतवासी हैं। अपने पूर्वजों की आन बान और शान को, स्वाभिमान को अपने हृदय में संजो करके हम एक परम वैभवशाली राष्ट्र का, एक जगत गुरु विश्व गुरु भारत का निर्माण करना है, उसके लिए हम संकल्पित हों। और चेतना के जिस स्तर पर भी हम खड़े हैं, भगवान ने जिस कार्य के लिए भी हमें चुना है, चाहे हम किसान हो, चाहे हम जवान हो, चाहे हम शिक्षक हो, चाहे हम चिकित्सक हो, चाहे हम कर्मचारी अधिकारी या व्यापारी हो, चाहे हम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यासी हो,
जो भी हमारे कर्तव्य हो उन सब कर्तव्यों में राष्ट्र के कर्तव्य को सबसे ऊपर मान करके, चाहे जिस धर्म और मजहब को हम मानने वाले हों, राष्ट्र धर्म को हम अपने सबसे ऊपर मान करके और अपने अपने हितों की साधना करते हुए हम राष्ट्र हित की साधना को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज संकल्पित होकर के एक एक क्षण हम मातृभूमि के लिए जिए। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या का संकल्प हमारे हृदयों में गूंजता रहे। और मेरे साथ मिलकर के आइए एक वीरता गीत गाते हैं, सब मिलकर के बोलेंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश पुकारता पुकारती माँ भारत। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की लाली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहो दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा चहो दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की जय।